खबर यह आई है कि हमजा शहबाज ने लाहौर हाईकोर्ट में जमानती मचल के जमा करा दिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे उमर शाकिर से। उमर शाकिर से भी तफसीला जानेंगे। आपको बताएं कि हमजा शहबाज अब से कुछ देर पहले लाहौर हाईकोर्ट में जमानती मचल के जमा करवाने के लिए पहुंचे थे। अब ये बताया जा रहा है कि हमजा शहबाज की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में जमानती मचल के जमा करवा दिए गए हैं। हमजा शहबाज की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में 1 करोड़ के जमानती मचल के जमा करवा दिए गए हैं। अदालत की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया था कि हमजा शहबाज जल्द अज जल्द 1 करोड़ के जमानती मचल के लाहौर हाईकोर्ट में जमा कराएं। अब से कुछ देर पहले हमजा शहबाज लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे, जहां पर अब हमजा शहबाज की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में जमानती मचल के जमा करवा दिए गए हैं। मजीद तफसीला जानेंगे उमर शाकिर से। जी उमर शाकिर, बताइएगा। कि 10 रोज के लिए वही जमानत मंजूर की थी और हमजा शहबाज को 1 करोड़ रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने के अहकाम जारी किए गए थे। हमजा शहबाज आज अपनी कानूनी टीम के हमरा लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने 1 करोड़ रुपए के जमानती मचल के जमा करवाए हैं। उनके हमरा यहां पर उनकी कानूनी टीम और कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद थे। ताहम हमजा शहबाज अब दोबारा आइंदा समाज पर अदालत से रूबरू पेश होंगे। अदालत को हाईकोर्ट ऑफिस की जानब से आगाह किया जाएगा कि हमजा शहबाज के जो अदालती मुचलके हैं उनका रिकॉर्ड लाहौर हाईकोर्ट को मौसूल हो चुका है और आइंदा समाज पर भी अदालत ये फैसला करेगी कि हमजा शहबाज की अबूरी समाज में तोसी की जाएगी या नहीं की जाएगी। इस हवाले से आइंदा हफ्ते हमजा शहबाज की कबल सरकारी दरख्वास्त जमानत पर लाहौर हाईकोर्ट का दो रुकनी बेंच ही समाप्त करेगा, लेकिन आज हमजा शहबाज की जानब से जो जमानती मुचलकी हैं वो लाहौर हाईकोर्ट से जमा करवा दिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर शाकिर।